दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। आज का ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज सर्वर 2025 सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसके अकॉर्डिंग हम सर्वर 2025 के डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करेंगे। सो ज्यादा डिले न करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हम चलते हैं डाउनलोडिंग की प्रक्रिया को देखते हैं कि डाउनलोड आप कहां से कैसे कर सकते हैं। आपको डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यदि आप अपने आप से भी जानना चाहते हैं डाउनलोडिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हुए तो आप कैसे जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, आपको ये कैसे चीजें मिलने वाली हैं, इस विषय पे बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली आप अपने कंप्यूटर पे विंडोज एक्सप्लोरर को लॉन्च कर लेंगे और आप google.com ओपन कर लेंगे। इसको करने के बाद आप सिंपली सर्च बार पे जाएंगे और टाइप करेंगे विंडोज सर्वर 2025 डाउनलोड। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बिल्कुल सिमिलर विजार्ड, दो अलग अलग सेम कॉमन विजार्ड लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप दोनों में से एक पर्टिकुलर लिंक आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगी जहां से आप सीधे डाउनलोड पेज पे चले जाएंगे। और यहां डाउनलोड पेज पे जाने के बाद आपको यहां अलग अलग लैंग्वेजेस के फॉर्मेट में आपको आपकी आईएसओ फाइल देखने को मिल जाएगी, जिसमें हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप इंग्लिश फेमिलियर हैं तो आप इस वाले लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग प्रोसीड हो जाएगा। पैरेलल में चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, रशियन और स्पैनिश, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको ये पर्टिकुलर जो है डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाले इस पर्टिकुलर लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाउनलोडिंग प्रोसीड हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सर्वर 2025 की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में सर्वर 2025 को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी इस विजार्ड को क्लोज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स और बढ़ते हैं अब आगे कि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड तो कर लिए हैं, अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो बेसिकली मेरे केस में मैं अपने इस कंप्यूटर में हाइपर वी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हाइपरवाइजर के अकॉर्डिंग आपके इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके यहाँ पे आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको हाइपर वी के बारे में आइडिया नहीं है तो मेरी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हाइपर वी के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ आई बटन पे लिंक दे दिया गया है तो आप यहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और हाइपर वी का पूरा आप नॉलेज ले सकते हैं। तो मेरे केस में अभी मैं हाइपर वी इंस्टॉलेशन वगैरह की बात नहीं करूंगा, सिंपल मैं वर्चुअल मशीन कॉन्फिगर करके और उसके ऊपर आपको इंस्टॉलेशन बता के यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली मैं सर्च बार में जाता हूँ और टाइप करता हूँ। टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाइपर वी मैनेजर आपको देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने हाइपर वी का विजार्ड ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे मैं न्यू पे जाता हूँ, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने बिगनिंग विजार्ड आ जाता है, मुझे यहाँ नेक्स्ट करना है, वर्चुअल मशीन का नेम देना है। मेरे केस में मैं अभी सर्वर 2025 इंस्टॉल करने वाला हूँ तो मैंने उसी तरीके से यहाँ नेम दिया है सर्वर 2025। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको जनरेशन सेलेक्ट करना होता है, जनरेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे रैम असाइन करनी है तो मैं अपने केस में 3 GB रैम असाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रैम दे रखा है, क्योंकि वर्चुअल मशीन पे चला रहा हूँ तो इतना हैवी लोड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं सर्वर अपने इस पर्टिकुलर मशीन के लिए 3000 MB रैम असाइन कर चुका हूँ। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपने इस पर्टिकुलर मशीन को नेटवर्किंग के लिए यहाँ पे डिफॉल्ट स्विच कॉन्फिगर करके चलना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर मशीन हमारी एक्चुअल मशीन से पिंग ले या अन्य वर्चुअल मशीन से भी ये प्रॉपर कनेक्ट हो सके। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपने इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिस्क स्पेस असाइन करना है। माइक्रोसॉफ्ट के रिकमेंडेशन 32 GB की है, मैंने यहाँ पे 40 GB इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिस्क स्पेस असाइन कर दिया है तो मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज सेलेक्ट करनी होती है। आप सबको पहले पता है, जो हाइपर वी पहले चला चुके हैं उनको सब आइडिया होता है, नहीं है तो आप जाके हाइपर वी की मेरी वीडियोस देख के वहां से लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल पे चिक करेंगे, इमेज पे चिक करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे और यहाँ पे जहां कहीं भी ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज पड़ी है वहां से उठा लेंगे। तो मेरे केस में मेरा जो ये डेटा ड्राइव है उसमें मेरी इमेज पड़ी हुई, तो खास करके इस पर बिट लॉकर लगा हुआ है तो मैं इसे अभी एक्सप्लोर कर लेता हूँ। एक्सप्लोर करने के बाद सिंपली यहाँ पे
डेटा ड्राइव पे जाऊंगा। डेटा ड्राइव पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सर्वर की लोकेशन में जाके अपनी इमेज को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो मेरी इमेज जो है वो ई ड्राइव में पड़ी थी, तो मैंने वहाँ से अपनी इमेज को एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूरी की पूरी समरी आ रही है, हमने अपनी वर्चुअल मशीन्स में क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे समरी वेरीफाई कर लेंगे। सिंपली आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ फिनिश पे क्लिक करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपकी मशीन रेडी है चलने के लिए। सिंपली मैं मशीन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं अपनी मशीन को यहाँ पे कनेक्ट भी कर लेता हूँ, जिससे आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइडलाइन मिलती रहे। तो मेरी वर्चुअल मशीन जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर 2025 की जो वर्चुअल मशीन है वो बेसिकली यहाँ पे बूट कर गई है और इंस्टॉलेशन जो है प्रोसीड होने वाला है। पहला विजार्ड क्या पॉपअप होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सर्वर 2025 में कुछ अलग ही थीम, कुछ अलग तरीके से विजार्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन का फर्स्ट विजार्ड है जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन करेंगे, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस इंग्लिश ही रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड की लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट यूएस ही होती है, उसको भी आप ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे बाय डिफॉल्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो है सेटअप ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्या आप अपने पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर रिपेयर मोड में ले जाना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इंस्टॉलेशन वाले ऑप्शन पर लेके आप आई एग्री वाले ऑप्शन को चिक करते हुए नेक्स्ट कर देंगे। बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई करते चलना माय डियर फ्रेंड, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आती चले। यहाँ पे भी चार अलग अलग एडिशन दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड कोर, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस, अगेन डेटा सेंटर कोर और डेटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस। कोर वर्जन जो है माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब पहला वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन यदि आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद सीधे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सीएमडी मोड में एक्सप्लोर होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में एक्सप्लोर होगा। तो कोर का मतलब ये है, आप यहाँ पे कमांड यूजर इंटरफेस के थ्रू आप यहाँ पे ऑपरेट कर पाएंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, मतलब पूरा विजार्ड आइकन्स इन सब चीजों का लाभ लेना चाहते हैं, मीन्स कीबोर्ड और माउस दोनों के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस लेके चलेंगे। ध्यान रहे माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यदि आप कोर लेके चलते हैं तो इसमें रैम और सीपीयू की रिक्वायरमेंट थोड़ी एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस लो रहने वाली है, और यदि आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस लेके चल रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में रैम सीपीयू इन सब चीजों की जो कैपेसिटी है वो ठीक ठाक सी सफिशियंट होनी चाहिए। तो मेरे केस में मैं सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन का जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंसेस वाला वर्जन है मैं इसको सिलेक्ट करके चलता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ टर्म्स लाइसेंस एग्रीमेंट्स आ रहे हैं कि यदि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो ये सारी टर्म्स कंडीशंस हैं, जिसको यहाँ पे आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर आपके बेसिकली डिस्क को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो जैसा कि आप प्रीवियस अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में देख पा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो पार्टीशंस का विजार्ड है उसमें काफी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब थीम वगैरह काफी कुछ चेंज हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रेश के बटन मिलेगी, लोड ड्राइवर, और उसके बाद यहाँ पे ब्रिंग डिस्क ऑनलाइन, और पार्टीशन को डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, नया बनाना है, एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मेरे केस में मेरा डिस्क स्पेस 40 GB मैंने दिया था, तो यहाँ क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा डिस्क स्पेस यहाँ सेलेक्ट करते हुए मैं अप्लाई करूंगा और यहाँ पे पार्टीशन बनना शुरू हो गया है। जैसे ही पार्टीशन बन के आता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा पार्टीशन रेडी हो गया है। यहाँ पे जो बेसिकली रिकवरी पार्टीशन है वो 100 MB का बना हुआ है, और जो मेन पार्टीशन है जिसमें विंडो इंस्टॉल होगी वो 39.9 GB का बना हुआ है। दोनों ही प्राइमरी पार्टीशन बने हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं अपने ये बड़े डिस्क स्पेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं कि रेडी टू इंस्टॉल। पहला ऑप्शन है कि सर्वर ये आप इंस्टॉल करने वाले हैं, और कीप नथिंग। कीप नथिंग का मतलब आपने पूरा का पूरा डिस्क स्पेस फॉर्मेट कर दिया है, कुछ भी चीज सुरक्षित नहीं रखने वाले हैं, मतलब सब कुछ फॉर्मेट करके फ्रेश विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहां पे आप सीधे जैसे ही इंस्टॉल पे प्रोसीड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका इंस्टॉलेशन प्रोसीड हो चुका है। तो इस तरीके से
इस तरीके से आपके सर्वर 2025 का जो इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप है कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होने वाला माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी इंस्टॉलेशन लगभग यहाँ पे डन हो चुकी है। सो यहाँ पे आपको सिंपली पासवर्ड असाइन करना होता है अपने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड असाइन करें, कोशिश करें कि अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड यहाँ दें। यदि आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड दे रहे हैं तो थोड़ा सा सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। सिंपल पासवर्ड ना दें, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड कोशिश करें देने की, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब सिंपली आपको विजार्ड को फिनिश कर देना है। आपका इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने समझने की कोशिश की है कि कैसे आप सर्वर 2025 को इंस्टॉल करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सर्वर प्लेटफॉर्म के लिए किस चीज की आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाली है, आप कैसे बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, हाइपरवाइजर को यूज करते हुए कैसे वर्चुअल मशीन बनाएंगे, और फाइनली कैसे आप इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज को। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड असाइन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो इस पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थीम है, जो बैकग्राउंड इमेज है, जो लुक है, और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है, ये काफी कुछ डिफरेंसेस इसमें आपको देखने को मिलेगा अदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपेक्षा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड फिल किया है और सिंपली मैं अपने डेस्कटॉप की तरफ जा रहा हूँ। और जैसे ही डेस्कटॉप ओपन होता है, आपको यहाँ पे लगभग थीम जो है, आई होप सो विंडोज 11 जैसी आपको यहाँ पे थीम या डेस्कटॉप देखने को मिल सकता है। डेस्कटॉप एक्सप्लोर होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो थीम है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। इट इज जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स विंडोज सर्वर 2025 का जो फर्स्ट लुक है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस पूछी जाएंगी। यदि आप पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो कुछ डायग्नोसिंग यहाँ पे डायग्नोस्टिक कंसेप्ट दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आप सिंपली इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं सर्वर मैनेजर का विजार्ड पॉपअप हो चुका है। तो इस तरीके से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्टार्ट मेन्यू आपको यहाँ पे सेंटर में देखने को मिल रही है जैसे विंडोज 11 में मिलती है, और इसको आप अपने लेफ्ट कॉर्नर पर शिफ्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो विजुलाइज हुआ होगा। आप सिंपली टास्क मैनेजर की सेटिंग में चले जाएंगे। टास्क मैनेजर की सेटिंग में आपको यहाँ पे टास्क बार बिहेवियर देखने को मिलेगा। टास्क बार बिहेवियर में ये जो आपका स्टार्ट मेन्यू है जो सेंटर में आ रहा है, तो आप इसको लेफ्ट में जैसे शिफ्ट कर देंगे आपका स्टार्ट मेन्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2025 का इंस्टॉलेशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब अगली जो वीडियो हम यहाँ पे आपके लिए बनाएंगे इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, माय डियर फ्रेंड्स, हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसके एडिशनल फीचर्स क्या हैं, आपको क्या मेन्यूज में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, किस तरीके की सर्विसेज हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, इन सब सारी चीजों को अगली किसी वीडियो में कवरअप करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टारगेट यही था कि आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे। इंस्टॉलेशन विजार्ड हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा डन हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस तरीके से आप अपने सर्वर 2025 को इंस्टॉल कर पाएंगे, और अगला जो भी कंसेप्ट इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिजाइन किया जाएगा वो बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेहतर एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।